डिजिटल इंडिया, भारत का डिजिटल युग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी ज्ञान मैगजीन में, और आज हम आपको ले चलेंगे भारत के डिजिटल युग की यात्रा पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सक्षम और सशक्त बनाना था। इस अभियान के तहत देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हुआ, लाखों गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा गया और इंटरनेट की पहुंच को काफी हद तक देश के कोने कोने तक पहुंचाया गया। डिजिटल इंडिया ने तो लोगों के जीवन में क्रांति सिला दी। अब लोग अपने स्मार्टफोन और लैपटॉप के जरिए घर बैठे सरकारी सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स जैसे डिजी लॉकर, भारत बिल पेमेंट सिस्टम और उमंग जैसी एप्स ने सरकारी सेवाओं को सरल और सुलभ बना दिया है। डिजिटल पेमेंट्स की बात करें तो BHIM, भीम ऐप, UPI और रुपे कार्ड ने कैशलेस ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा दिया, जिससे अब लोग बिना किसी नगद के आसानी से पैसों की लेन देन कर पा रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी डिजिटल इंडिया से बड़ा बदलाव आया है। ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स और टेलीमेडिसिन जैसी सेवाओं ने लोगों की पहुंच को आसान बना दिया है। डिजिटल इंडिया के चलते स्टार्टअप्स और इनोवेशन सेक्टर्स का भी तेजी से विकास हुआ है। ये अभियान नए उद्यमियों को अपने आइडियाज को साकार करने में मदद कर रहा है, जिससे ये अभियान भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है और देश के हर नागरिक को डिजिटल रूप से सशक्त बना रहा है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।